अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परसों हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ा कि ब्रेन किस तरह से प्रोटेक्ट होता है हमारे स्कल के अंदर, उसमें कौन सा फ्लूड होता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, जैसे फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, फिर उनमें क्या क्या होता है, कौन सा पार्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम सेरिब्रम देखते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 80%। तो ये जो होता है सेरिब्रम जो होता है, इट इज़ द साइट वेयर इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी आर स्टोर्ड। तो ये कंट्रोल करता है हमारी कुछ मूवमेंट्स जो होती हैं, स्पीच, साइट, स्मेल, टेस्ट एट्सेट्रा। इसके दो पार्ट्स होते हैं विच आर कॉल्ड सेरिब्रल हेमिसफियर, राइट एंड लेफ्ट हेमिसफियर। इसी तरह जो सेरिब्रल होता है या हाइंड ब्रेन जो होता है, ये भी ब्रेन का हिस्सा है। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 12% ऑफ द ब्रेन। तो ये पोस्टीरियर साइड में ब्रेन के होता है। ये कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर एक्टिविटी एंड मेंटेन्स ओवर इक्विलिब्रम। दूसरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ थिक नर्व। ये बहुत ही थिक नर्व होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स अबाउट 45 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो ये मेड्यूला जो होता है, मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा, विच इज़ द लास्ट पार्ट और ब्रेन स्टेम ऑफ सेरिबेलम का जो लास्ट पार्ट होता है मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा, वहाँ से ये स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स। तो ये डाउनवर्ड्स की तरफ एक्सटेंड होता है अप टू द लंबर रीजन विच इज़ द लोअर बैक। तो ये जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये प्रोटेक्ट होता है जो हमारा वर्टेबल कॉम होता है या बैकबोन जो होता है, उसी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। द नर्वस विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड दैट आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्वस विच आर 31 पेयर्स। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है जिन ऑर्गेनिजम्स में, उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, और जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इट पजेसेस ए नैरो फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड सेंट्रल कैनल। तो उस सेंट्रल कैनल में भी फ्लूइड होता है लाइक ब्रेन, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड जो होता है, मीनिंग्स जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मीनिंग्स विच आर द थ्री मेम्ब्रेन्स। तो उनके अंदर ये फ्लूड पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इट परफॉर्म्स टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो ये काम करता है, इट कंडक्ट्स सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। मतलब ब्रेन की तरफ ले जाते हैं इम्पल्स और ब्रेन से ले जाते हैं टूवर्ड्स द सेंस ऑर्गन्स। तो ये कंडक्ट करता है इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। एक तो ये काम हो गया स्पाइनल कॉर्ड का। दूसरा इसका ये है कि इट एक्ट एज ए सेंटर फॉर रिफ्लैक्स एक्शन। जो भी रिफ्लैक्स एक्शन होते हैं, क्विक एक्शन, ऑटोमेटिक एक्शन, रैपिड एक्शन, तो वो स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। मतलब उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं दैट आर कैरीड आउट बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये रिड्यूस करता है जो वर्कलोड होता है ब्रेन का, उसको थोड़ा ये कम करता है स्पाइनल कॉर्ड।